अपने मेंबर से तो फोन नहीं करता बेटा तुम्हें। चलो लगता हूँ भाई। चो एक काम तो कर, एक नंबर डायल कर, लिख 0300। बोलूंगा था उसको, बोल के अगर मेरा पूछे ना तो टोपी करा दे, बोल मिस कॉल आई। अत्ता लाउड स्पीकर तो खोल। किसका मोबाइल है? जी ये मेरा फोन बज रहा है। अरे भाई कौन कॉल कर रहा है तुम्हें? जी ये नया नंबर है साहब। तुम्हें बड़े नए नए नंबर से मिस कॉल आ रही है। एक ही खता पर जिंदगी तमाम नहीं हो जाती, ना किसी का किरदार तमाम होता है, खताएं हो जाती हैं सुरैया, लेकिन कभी कभी एक ऐसी खता होती है जो हमें सीधे रास्ते पर ले आती है। मैंने जो किया तुम्हारे साथ वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खता थी, लेकिन वो खता, वो वाकया ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी तुम्हारी किसी भी कहानी पे मुझे बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। तुम्हें जितनी मुश्किल बातें करनी है ना कर लो, क्योंकि तुम्हारी हकीकत मैं जान चुकी हूं। करो मुश्किल बातें करो, खुदा के वास्ते अम्मा चले जाओ यहां से, क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने भी देख लिया तो मेरी जिंदगी अजाब बन जाएगी। कोई देखता है तो देख ले सुरैया, मैं बता दूंगा सबको कि मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं जबरदस्ती आया हूं। खुदा के वास्ते मत एक लड़की के हसास मामलात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें क्या लगता है तुम उन्हें बोलोगे वो मान जाएंगे? मैं बता रही हूं तुम्हें, अगर तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों ने मुझ पे या मेरे किरदार पे जरा सा भी शक किया ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ऐसा मत करो। तो फिर जाओ अभी यहां से फौरन जाओ। ऐसे कैसे जा सकता हूं? मान जैसे आए थे वैसे ही जाओगे और कैसे जाओगे? मेरे आने का मकसद ही पूरा नहीं हुआ। तुम जो ये सब कुछ कर रहे हो ना, इससे होगा कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरी नफरत बढ़ेगी तुम्हारे लिए। तुम पहले जैसी हो जाओ। मैं हो जाऊंगी, मगर प्लीज यहां से जाओ, मैं करूंगी तुमसे बात। सुरैया सुरैया अम्मी, अरे राबिया गई है, ये तो किसी को हाथ भी नहीं लगाती। कुछ करो, मैं जबरदस्ती आया हूं। तुम पागल हो गए हो? कुछ करो, बाथरूम में जाओ, छुपो, कुछ भी करो, मगर जाओ जाओ।